भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। पिछले कड़ियों में हमने देखा कि परमेश्वर एक है, त्रिएकत्व के सिद्धांत का अध्ययन करते हुए सबसे पहली बात जो हमने सीखी कि परमेश्वर केवल एक है, एक को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। पुराना नियम भी इस बात को बताता है और नया नियम भी इसी बात की पुष्टि करता है, परंतु परमेश्वर ने और भी बातें प्रकट की हैं। आगे हम देखें, बाइबल को पढ़ने वाला हर व्यक्ति जल्दी से इस बात को समझ जाएगा कि बाइबल में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बात की गई है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, और पिता को भी परमेश्वर बोला गया है, पुत्र को भी परमेश्वर बोला गया है और परमेश्वर पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर बोला गया है। तो हम पिता को परमेश्वर बोलने वाले बाइबल संदर्भ को देखेंगे और ऐसा करने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और पद 27, 6:27 यहां लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। पिता अर्थात परमेश्वर, यहां प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और पिता अर्थात परमेश्वर कहते हैं, तो पिता को परमेश्वर कहा गया, स्पष्ट रूप से कहा गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता अर्थात परमेश्वर। फिर हम दूसरे रेफरेंस को अगर जब देखें, फिर हम दूसरे रेफरेंस पर जाएंगे, पहला पत्रस एक का दो, पत्रस यीशु मसीह का चेला है और पत्रस परमेश्वर पिता के बारे में बात करता है। एक का दो, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, फिर से पिता को परमेश्वर कहा गया है। बहुत सारे रेफरेंस हैं और इस बात में ज्यादा दो मत नहीं है कि पिता तो परमेश्वर ही है, लगभग सभी लोग इस बात से सहमत हैं। इसलिए और ज्यादा रेफरेंस को मैं यहां पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। अब हम आए यीशु मसीह को, पुत्र को परमेश्वर कहा गया है, उन बाइबल संदर्भों को देखें। तो हम देखेंगे सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसका पद 1, यूहन्ना 1:1 यहां लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और पद 14 को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो हम समझ पाते हैं कि यहां वचन यीशु मसीह को बोला गया है, वचन देहधारी हुआ। लेकिन पद 1 को देखे ना, ये वचन आदि में था और ये वचन परमेश्वर के साथ था। और वहीं यूहन्ना नहीं रुकता है, वह कहता है और वचन परमेश्वर था। स्पष्ट है, वचन परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर था आदि से, और उसने आज से 2000 साल पहले देह धारण किया। तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर बोला गया है। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 6 पद को हम निकालेंगे, फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 2 पद 6 यहां लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप में था वो, परंतु जब उद्धार के काम को अंजाम देने के लिए वो इस संसार में आया तो उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा।
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बन के आए, इसके लिए उन्हें बहुत नीचे उतरना पड़ा। वो तो परमेश्वर के स्वरूप में थे, परंतु मनुष्यों के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में आए, मनुष्य के स्वरूप में आए। तो यीशु मसीह परमेश्वर है, और इस बात को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात उसके चेलों में से एक जिसका नाम थोमा था, उसने भी बता दिया। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाकर थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20 के 28 में यह बात लिखी है। यीशु मसीह को देखने के पश्चात पहली बार जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो नहीं था। वो कहता है कि जब तक मैं उसे देख न लूं, जिधर भाला लगा था उधर अपना हाथ न घुसा लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह पुनः प्रकट हुए थोमा के पास आकर। वो कहते हैं, देख मैं हूं, मुझे छू ले, अपनी उंगली डाल। और थोमा जब इस बात को देखता है तब कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसके एक चेले ने उसे सीधा सीधा परमेश्वर कहा। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसके 8 पद में आते हैं, पहला अध्याय और 8 पद, और वहां लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। कौन यहां पर बात कर रहा है? परमेश्वर पिता बात कर रहा है, और वह पुत्र के विषय में बात करता है। और पुत्र को क्या बोलकर वह संबोधित करता है? वो कहता है, हे परमेश्वर। पुत्र को वह परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो कई बार लोगों को यह दिक्कत होती है कि यीशु मसीह ने पिता को परमेश्वर कहा, तो वह पिता को परमेश्वर मानता था तो सामान्य इंसान है। अब यहां पर देखिए, पिता यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहा है, अब क्या जवाब देंगे? न केवल यीशु मसीह ने पिता को परमेश्वर कहा, परंतु पिता ने यीशु मसीह को परमेश्वर कहा, हे परमेश्वर। अब इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता कि यीशु परमेश्वर है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय और उसके 16 पद को भी देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और पद 16, और वहां लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालांकि यह नाम स्पष्ट रूप से यह नहीं बतलाता है कि वह परमेश्वर है, लेकिन बहुत अधिक संकेत देता है। परिब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 8 पद सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वयं कहता है, हे परमेश्वर। तो हमने देखा कि पिता परमेश्वर है, फिर देखा कि पुत्र अर्थात यीशु मसीह भी परमेश्वर है, अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय और 3 और 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। प्रेरितों का काम अध्याय 5 पद 3 और 4, पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। 3 पद में पत्रस कहता है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और 4 पद में वो कहता है, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, ये काम तूने किसके खिलाफ किया है? तूने मनुष्यों से झूठ नहीं बोला है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। इस तर्क को लीजिए ना, उसने झूठ बोला पवित्र आत्मा से, और फिर पत्रस कहता है तूने परमेश्वर से झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हम अगर दूसरे रेफरेंस पे जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से
19 को हम पढ़ें तो वहां हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और इस बीच में और क्या छूट गया है? बपतिस्मा। पर बपतिस्मा कैसे देना है? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र के बराबर धरातल पर खड़ा किया गया है। अगर वो परमेश्वर नहीं है तो समानता में वो रखा नहीं जाएगा, परंतु वो समानता में रखा गया है। बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरितों ने जब आशीर्वाद वचन दिया तब भी पवित्र आत्मा को साथ में रखा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसके 13:14 को मैं पढ़ूं। दूसरा कुरिन्थी 13:14, आशीर्वाद वचन में ये बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, तीनों की ओर से आशीर्वाद निकलता है। तो ये फिर से प्रमाण है, अगर पवित्र आत्मा को आशीर्वाद देने वाले के रूप में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बराबर रखा गया है तो सिंपल बात है कि वह उनके बराबर है, वह भी परमेश्वर है। तो बाइबल पिता को परमेश्वर कहती है, पुत्र को परमेश्वर कहती है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहती है। हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय मसीह। मोक्षराग यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।